क्या आप भी कोई नया फोन लेने की सोच रहे हैं? आपके मन में एक बार तो ओप्पो या फिर वीवो का ख्याल तो जरूर से आया होगा, या फिर आपको किसी ने सजेस्ट किया होगा ओप्पो और वीवो के फोन्स लेने के लिए। और आप जब भी अपने घर से बाहर जाते होंगे तो आपको हर जगह, हर गली और हर दुकान पे ओप्पो और वीवो के बोर्ड्स तो आपको भर भर के देखने को मिले होंगे। पर मैं आपसे कहता हूँ कि आपको ओप्पो और वीवो के फोन्स नहीं लेने चाहिए। पर क्यों? अगर आपको भी ये सवाल हुआ है तो आप ये वीडियो लास्ट तक देखते रहिए और मैं आपसे बताऊंगा कि आपको ओप्पो और वीवो के फोन्स क्यों नहीं लेने चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज ध्रुव लकड़ावाला एंड यू आर वाचिंग क्रेजी टंडल्स। सबसे पहले तो हम बात करते हैं वीवो के V7 प्लस की। इसकी जो कीमत है वो है 21,990, यानी कि टोटली आपको मिलता है 22,000 रुपए में। और इसका जो प्रोसेसर है वो है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 450। मैं ये नहीं कहता कि ये प्रोसेसर बकवास है, लेकिन इस कीमत में बहुत ही महंगा है। इस कीमत में आपको कम से कम स्नैपड्रैगन का 625 तो मिलना ही चाहिए था। और अगर इसके स्क्रीन साइज की बात करूँ तो वो है 5.99 इंचेस का। और इसका जो रिजोल्यूशन है वो है 720x1440 pixels, यानी कि एक HD डिस्प्ले है। आपको इसमें फुल HD डिस्प्ले मिला ही नहीं है। और अगर इसके कैमरे की बात करूँ तो इसका मेन कैमरा है 16 मेगापिक्सल का और इसका फ्रंट कैमरा है 24 मेगापिक्सल का विथ मून लाइट फ्लैश, यानी कि LED की जगह आपको पूरा का पूरा चांद ही घुसा के दे दिया है इसमें। अगर हम बात करते हैं ओप्पो की, तो ओप्पो का जो ओप्पो F5 है उसमें भी आपको प्रोसेसर मिलता है MediaTek का हीलियो P23, यानी कि ये स्नैपड्रैगन से कई लेवल नीचे है। और इसका जो मेन कैमरा है वो है 16 मेगापिक्सल का और फ्रंट कैमरा 20 मेगापिक्सल का है। और इसकी भी कीमत है 20,000 रुपए और इसमें भी आपको MediaTek का प्रोसेसर मिला है। इस कीमत में आपको कम से कम स्नैपड्रैगन का 625 तो मिलना ही चाहिए था। ओप्पो और वीवो कंपनी अपने मोबाइल में सिर्फ और सिर्फ कैमरास पे ही फोकस करते हैं, बाकी ये लोग प्रोसेसर, रैम, डिस्प्ले कुछ भी नहीं देखते। और आप जब भी अपने घर से बाहर जाते होंगे तो आपको हर जगह, हर गली और हर दुकान पे ओप्पो और वीवो के बोर्ड्स तो भर भर के देखने को मिले होंगे। पर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ओप्पो और वीवो कंपनी अपना बोर्ड किसी भी दुकान के बाहर लगाने के लिए महीने के 30,000 से 40,000 रुपए देती है। अब आप ये सोच के देखो कि अगर आपको कोई 30,000 से 40,000 रुपए महीना देता है तो आप ओप्पो और वीवो के बोर्ड्स अपनी दुकान के बाहर क्यों नहीं लगाओगे? आप जब भी दुकान में मोबाइल लेने के लिए जाते हो तो जो लड़का आपको मोबाइल दिखा रहा होता है वो आपको ओप्पो और वीवो के फोन लेने के लिए आपके पीछे क्यों पड़ जाता है? क्योंकि उसको मोबाइल बेचने के लिए सैलरी तो मिलती ही है, पर ओप्पो या फिर वीवो का फोन बेचने के लिए उसको एक मोबाइल पर 800 से लेकर 900 रुपए तक का कमीशन मिलता है और कंपनी उनको 50 से 60 फोन बेचने का टारगेट देती है। तो आप सोच के ही देखो कि 50 फोन पर उनको 900 रुपए का कमीशन और ऊपर से सैलरी, तो वो तो आपको ओप्पो और वीवो के फोन से दिखाएंगे ना। अगर हम बात करते हैं इनके मोबाइल्स की रैम की, जैसे कि Vivo V5S में, तो ये लोग बताते हैं कि इसमें आती है 3GB रैम, 4GB रैम, पर ये आपको कोई नहीं बताएगा कि ये एक DDR3 रैम है जो कि एक 2GB DDR4 रैम से भी स्लो है या फिर उसके बराबर है, जो कि दूसरे मोबाइल्स में आती है। और अगर इनके प्रोसेसर की बात करूँ तो ये लोग कहते हैं कि इनमें आता है क्वाड कोर का प्रोसेसर, ऑक्टा कोर का प्रोसेसर। तो हम सिर्फ और सिर्फ कोर्स को देखकर प्रोसेसर को जज नहीं कर सकते कि क्वाड कोर के प्रोसेसर में लगे हैं 4 कोर्स तो ये ज्यादा स्लो होगा और ऑक्टा कोर में आते हैं 8 कोर तो ये ज्यादा फास्ट होगा। प्रोसेसर के लिए हमें यह भी देखना पड़ता है कि उसका आर्किटेक्चर कैसा है, उसके कोर्स की बिल्ड क्वालिटी कैसी है और सबसे मेन बात आपके मोबाइल का सॉफ्टवेयर उसे कैसे यूज करता है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि आप सिर्फ और सिर्फ 4GB रैम और ऑक्टा कोर प्रोसेसर सुन के इनके मोबाइल्स मत बाय कीजिए। यहाँ पे एक और बात जानकर आपको बड़ी हैरानी होगी कि वीवो और ओप्पो कोई अलग कंपनी नहीं है, दोनों एक ही कंपनी के दो पार्ट्स है। यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि ओप्पो, वीवो और वन प्लस तीनों एक ही कंपनी के पार्ट्स है जिसका नाम है BBK इलेक्ट्रॉनिक। मैं ये नहीं कहता कि वीवो और ओप्पो के फोन बकवास आते हैं, बल्कि ओवर प्राइस्ड आते हैं। अगर इनके मोबाइल्स हमें मिलते हैं 12,000 या फिर 13,000 में तो फिर अच्छी बात है, नहीं तो आप खुद ही सोच के देखो कि जिस मोबाइल में हमें ना ही डिस्प्ले अच्छी मिलती हो, ना ही प्रोसेसर अच्छा मिलता हो, ना ही रैम अच्छी मिलती हो, तो हम सिर्फ और सिर्फ कैमराज और सेल्फी के लिए 20 से लेकर 22,000 रुपए नहीं खर्च कर सकते। अगर आपका बजट इतना ही अच्छा है तो आप इस बजट में सैमसंग, मोटोरोला, LG जैसे कई अच्छी ब्रांड्स के मोबाइल ले सकते हो जिसमें आपको सब कुछ अच्छा मिल जाएगा। तो हमें सिर्फ और सिर्फ कैमराज और सेल्फी के लिए इतने पैसे बर्बाद नहीं करने चाहिए।
इस वीडियो को देखकर अगर आपकी भी आंखें खुल गई है और आपको भी कुछ नया जानने को मिला है तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से कीजिए। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप नीचे वाले उस लाल कलर के बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर सभी जगह पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी एंड ऑलवेज स्टे ऑन क्रेजी टंडल्स।